देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस देश भर में अलग अलग सहायता अभियान चला रही है। यूथ कांग्रेस देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है और दिल्ली में जो मुख्यालय है यूथ कांग्रेस का, वहां पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यानी रक्तदान कर रहे हैं, और इनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी रक्तदान कर रहे हैं। श्रीनिवास, आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, पूरे महामारी में अभी भी आप रक्तदान कर रहे हैं। पूरे देश में कितने यूनिट ब्लड आज आप लोग डोनेट कर रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम राजीव जी की पुण्यतिथि? पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सादर दिवस पर पूरा देश भर आज लोगों को मदद करना है। जो ये संकट समय में जो कोरोना महामारी के वजह से बहुत सारा परिवार में उनका माँ बाप को खोया है, ऐसे परिवार के लिए राशन देने से लेके और कुछ ऐसे जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए भी मदद करना, साथ साथ में जो वैक्सीनेशन सबसे जो इस कोरोना खिलाफ लड़ना है तो वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, तो उसके लिए जो रजिस्टर करना, जो माइग्रेंट लोग है, मजदूर लोग है, वो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को रजिस्टर करना, उनको उसके बारे में हेल्प करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में जो लगातार जो जॉब लॉस हुआ है, जो जॉब लॉस कम से कम ये 10 मिलियन जॉब एक महीने में लॉस हुआ, ऐसे लोगों को हमने तुरंत उनको कुछ राशन उनको सुविधा देना और साथ साथ में मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड करने का, वो आइसोलेशन किट देने का लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी ये करते ही रहेगा, ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजीव जी का नाम रहेगा और ये राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के आदेश पर देश भर कार्यकर्ता आज इस देश का जनता के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। क्या टारगेट है कि देश भर में आज कितने यूनिट ब्लड? देखिए, सबसे इस समय में जो लोग ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन हो कोरोना हो डर के, तो सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी केसेस है और उसके साथ साथ में जो डायलिसिस केसेस है उनके लिए जो ब्लड का ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हमने सबसे ज़्यादा लेवल पे और राज्य पे जो ब्लड डोनेशन कैंप करके एक जो भी अच्छे नंबर पे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी में आप लोग के इस अभियान पे पूरे जो आप लोग अभियान चला रहे हैं, बीजेपी कहती है ये सब टूलकिट है प्रचार पाने का, यही है यूथ कांग्रेस का टूलकिट है, जो राशन दिया है वो टूलकिट है और जो लोगों को मदद कर रहा है वो भी टूलकिट है। मैं चाहता हूँ जो भी इनका नेता इसके ऊपर जो बयान दे रहा है पोस्ट लगा रहे उनके लिए भी मैं सामान मुहैया करा दूंगा, उसको मदद कर दूंगा। आप किसी का भी फोटो लगा दो, लगा के एटलीस्ट आप बाहर आके बांटने का काम करो, इनको किसने रोका है बांटने के लिए? संतरी इनका है, मंत्री इनका है, सारे इनका है, फिर भी इन लोग के लिए मदद करने के लिए किसने रोका है? ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया, तो ये सबसे दुनिया को जानते हैं जो जूट फैक्ट्री का सर्टिफिकेट लोग है, यूनिवर्सिटी में ये लोग ने जो डॉक्टरेट लिया है, हमेशा देश में झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं, हमेशा सच सच होता है, झूठ कभी सच नहीं होता है। तो टूलकिट विवाद के बीच राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस देश भर में सहायता अभियान चला रही है और उसमें एक अहम अभियान ब्लड डोनेशन का यानी रक्तदान का युवा कांग्रेस के द्वारा और खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जो काफी चर्चा में है इस पूरे महामारी के दौरान मदद अभियान चलाने को लेकर के, उन्होंने खुद भी रक्तदान किया है और देश भर में यूथ कांग्रेस रक्तदान और इसके अलावा कई और तरह के अभियान चला रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।